बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाइए आप सब लोग, अपनी जगह पे बैठो। आप लोग भी बैठ जाओ भाई, व्यवस्था बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बैठ जाओ, मैं अपना संदेश दे देना चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके। अभी मैंने कहा था भाई आप लोग की व्यवस्था बना ले। अभी मैंने कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने कहा था कि एक एक व्यक्ति जो इस रामलीला ग्राउंड, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में इस समय मौजूद है और जो किसी कारण यहाँ नहीं पहुंच पाए, मुझे लाखों लोग सुनते हैं, आपको पता होगा 1.6 मिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। उन सभी को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। सबसे पहले तो यह तय करना होगा कि मैंने कर्जा लिया, मैंने कोई पाप नहीं कर दिया, ये कोई गुनाह नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी मत मानिए। सरकार के ही आंकड़े हैं, एनसीबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है और ये किसान नहीं है। पहले सुना करते थे देश का किसान आत्महत्या करता है, आज देश का साधारण नागरिक आत्महत्या कर रहा है, नौकरी करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो हुक्मरान है, वो सत्ताधीश है जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्हें हमने चुनकर भेजा, इस उम्मीद से भेजा, इस उम्मीद से भेजा हमारा व्यापार ठीक होगा, हमारा काम धंधा ठीक होगा, हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार ठीक होना तो दूर की बात, जो व्यापार 5 वर्ष पहले जितना चलता था आज उससे आधा भी नहीं रहा है। मैं भी मीडिया डिबेट में गया, एक पार्टी के प्रवक्ता मिले मुझे, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं, व्यापार पहले से ठीक हो गया। मैंने उनसे कहा आप किसी भी मार्केट में किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए आज व्यापार कितना रह गया है, व्यापारी खुद बता देगा व्यापार आधा भी नहीं रहा है। और इसका बड़ा कारण क्या है? 95% लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे, बहुत सारे लोगों ने कहा। कई लोगों ने कहा सब नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया तो जिस कंपनी में हम काम करते थे वो कंपनी ही तबाह हो गई, कंपनी बंद हो गई और कंपनी के बंद हो जाने के कारण हमारा व्यापार तबाह हो गया और जो लोग वहाँ नौकरी करते थे उनकी नौकरियां चली। कई लोगों ने सब जीएसटी का भी फर्क नहीं पड़ा, नोटबंदी का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया अचानक आधी रात को आकर बोल दिया गया सब बंद हो जाएगा, ये सोचा ही नहीं कि आम इंसान का व्यापार कैसे चलेगा, आम इंसान व्यापार करेगा कैसे। ये समस्या है। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, तो जो काम आपने किया नहीं उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए अपने आप को दोषी ठहराना, अपने आप को दोष देना बंद करिए। दूसरा काम क्या करना है? जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कोई गलत कदम नहीं उठाना। अगर किसी को रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाइए, अपने सांसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए और वहां जाकर के उनको अपनी स्थिति के बारे में बताइए। जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं और यदि आपका सांसद विधायक आपकी मदद ना करे तो हमारा जो लोकसभा प्रभारी है, जो राज्य का प्रभारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उससे जाकर के मिलिए, वो सांसद जी से अपील करेगा। और आपकी हमारी मेहनत रंग लाई है। हमने सभी सांसदों को पत्र भेजे थे, सांसदों से पूछा गया था कि आपके लोकसभा में जो लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक अपील करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को बताइए कर्जे के कारण कोई गलत कदम ना उठाए। हमारे कुछ लेटर भेजने का असर यह हुआ कि 9 से ज्यादा सांसदों ने हमारे मुद्दे का समर्थन किया और उसी के साथ एक सांसद ने सदन में मुद्दा भी उठाया और मुद्दे के सवाल किया तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी अधूरी है। हमारी लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा नहीं उतर जाता। और मेरे पास क्या क्या विकल्प है, मैं वो विकल्प बता देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, सब लोग जानते हैं, देश का कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी का अधिकारी ऐसा नहीं है जो शाहनवाज चौधरी भारतीय को ना जानता हो। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, तो मैं इनकी रख रख से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं ये कब रुकेंगे, कब चुकेंगे। ये तब चुकेंगे जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि अब जनता उनका साथ देने वाली नहीं है। और इसीलिए हमने तय किया था, हर वो सांसद, हर वो विधायक, हर वो नेता कान खोल कर सुन ले, जो जनता का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का साथ नहीं देगा हम उस नेता का साथ नहीं देंगे। ये संदेश आना चाहिए। हर वो सांसद, हर वो पार्टी, हर वो नेता सुन ले जो जनता के साथ नहीं है, अब जनता उसका साथ देने वाली नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। और जैसा मैंने कहा, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, तो मैं अगला विकल्प भी बता देना चाहता हूँ। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ रुकने वाली नहीं है। और जैसा प्रशासन के लोगों को भी मैंने कहा, अधिकारी मेरी बात सुन रहे होंगे, हमने पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण किया है। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ प्रशासन के लोगों से, फिर जीवन में कभी भी आप मुझे प्रशासन के खिलाफ नहीं देखेंगे, लेकिन आपसे भी एक वादा, एक उम्मीद करता हूँ, आप भी जनता का साथ देंगे। अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधिकारी का मतलब होता है जो अधिकारों की रक्षा करे। ये सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी किसके लिए हैं? जनता ही के लिए तो हैं। और यदि जनता ही खुश नहीं है, जनता ही परेशान है, तो अधिकारों का अधिकारी होना कोई मायने नहीं रखता। अधिकारी जनता की अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। उसको अधिकार दिए गए ताकि वो जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके। अगर कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करता है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग आपकी मदद करेंगे। और मैं यहाँ बता रहा हूँ, हमारे साथ जो 7 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें कई हजार फॉर्म दिल्ली पुलिस के लोगों ने भी भरे हैं। उन पर भी कर्जा है। ऐसा नहीं है वो बहुत खुश है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाने की, और हमें उनका साथ देना। उनका परिवार भी हमारा परिवार है, पुलिस वाले का परिवार भी हमारा परिवार है, सेना वाले का परिवार भी हमारा परिवार है, किसान का परिवार भी हमारा परिवार है। हमारी जिम्मेदारी बनती है उन सबको कर्जा मुक्त करने की। और मैं अगला विकल्प दे देना चाहता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, और मुझे पता है समस्या राजनीति है, और समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है। और जो ये कहे कि तुम राजनीति मत करो, उसे बता देना राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है, या राजनीति के शिकार हैं। और शिकार बनने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। राजनीति का हिस्सा बनेंगे हम। और मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूँ, इस ऐतिहासिक मंच से, कल 9 अगस्त है। 9 अगस्त क्रांतिकारी दिन होता है। आपको पता होगा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 9 अगस्त को। आज पूर्व संध्या है, और इसे इत्तेफाक कहें, गलती कहें, या समीकरण कहें, मेरा जन्मदिन आज आता है। अब कल से एक नई क्रांति, नए आगाज, नई शुरुआत होने वाली है। अभी तक 2017 की बात है, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। 2017 में जब मैंने देखा कि राजनेता अपनी राजनीति को करने के लिए जनता को, लोगों को धर्म, जाति के नाम पर कैसे कैसे मूर्ख बना रहे हैं, राजनेताओं के साथ अंदर तक काम करा, तो प्रण लिया था इस राजनीति को सुधारना है। और 2017 में ये तय किया गया था कि देश को एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की जरूरत है, एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत है। तब नहीं मालूम था कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं काम करता रहा, पूरे देश जाता रहा, लोगों से मिलता रहा। ये जितने लोग भी देख रहे हैं आप सब मेरे स्टूडेंट हैं। सबसे मिला, बात करी, हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की। मैं लोगों की समस्याएं सुनने लगा, समाधान करने लगा। और देखो, वो जो मैं कह रहा था ना, वो परम पिता परमात्मा। तुम नास्तिक हो सकते हो, किसी धर्म को मानने वाले हो सकते हो, ना मानने वाले हो सकते हो, लेकिन इस सच्चाई को नकार नहीं सकते। कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो आज इस धरती को संभाले हुए है। कोई है जो ये सिस्टम चला रहा है। उसे आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, भगवान कहें, जो नाम लेना चाहे ले लें, लेकिन कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है। मैं उस ताकत पर विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं। ये घटना है 2022, पिछले साल। मैं टीम बना रहा हूं, लोगों को गाइड कर रहा हूं। मैंने गर्व से कहूं, भारतीय की मुहिम शुरू की, लोगों को भारतीयता की शपथ दिलानी शुरू करी, क्योंकि कट्टरपंथी सोच से लड़ना था। और इसलिए मेरे नाम के पीछे भारतीय दिखेगा। शाहनवाज चौधरी भारतीय है, राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय है, राहुल पांचा भारतीय है, हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय है, सुरभि श्रीवास्तव भारतीय, सभी के साथ नाम पे भारतीय लगा और लाखों लोगों ने भारतीय लगाया। और यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने नाम के साथ भारतीय लगाया। भारतीय का अर्थ किया कि हम किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमने शपथ ली। ना मैंने भेदभाव किया, ना मैं भेदभाव करता और ना मेरी कोई टीम का साथी भेदभाव करता। लेकिन 2012 की घटना बताता हूँ। मैं गुरुद्वारे गया, एक कार्यक्रम में मुझे संबोधन करना था, बंदी सिखों का कार्यक्रम था जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया है, अभी ट्रायल चल रहे हैं, केस फाइनल नहीं है लेकिन जेलों में डाल रखा है, बहुत सारे परिवारों के बच्चों को उजाड़ रखा है, परिवार उजड़े में। वहाँ कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखनी थी। मुझे वो मंच देखकर, वो कार्यक्रम देखकर, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर कार्यक्रम था, मुझे लगा यहाँ संबोधन करना ठीक नहीं। मैं बाहर आ गया, जंतर मंतर गए हम लोग खाना खाने के लिए। वहाँ एक खबर पता चली, महाराष्ट्र में 9 लोगों के परिवार ने आत्महत्या कर ली और कारण था कर्जा। मन इतना व्यथित हुआ, मैंने क्या कि क्या कर दे, कैसे बचाए लोगों को। मैंने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें लोगों से रिक्वेस्ट की भाई कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, कर्जा हो गया, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बात करे। मेरी कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग होती थी, वो मैंने निःशुल्क कर दी और उसका परिणाम ये हुआ लगभग 30 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, लगभग 3 करोड़ लोगों तक वो जानकारी पहुंची। और मुझे नहीं पता था समस्या इतनी गंभीर है, आज पता चल रहा समस्या कितनी गंभीर है। वहां से लोगों को मदद करना शुरू किया गया। आप में से बहुत सारे लोगों से पर्सनली मिला हूं, आपके राज्य में आकर के मिला हूं, कई लोगों के क्षेत्र में आकर के मिला हूं, कई लोगों को दफ्तर में बुलाया। मैं आपका अपना हूं, आप मेरे अपने हैं, हम पराए नहीं रहे हैं। और ये लड़ाई अब आपकी लड़ाई नहीं है। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये लड़ाई शाहनवाज चौधरी भारतीय की लड़ाई है। आपके ऊपर कर्जा नहीं है, कर्जा मेरे ऊपर है और एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाना अब मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। और जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी रहेगा, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, हम जरूर सफल होंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े जाएंगे, सांसदों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा गिड़गिड़ाएंगे, संसद भवन में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे। और मैं इस मंच से देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी लोगों को मरने से बचा लीजिए, प्रधानमंत्री जी लोगों को आत्महत्या करने से बचा लीजिए। ये व्यापारी आपके अपने लोग हैं, ये आपके सगे लोग हैं, ये आपके साथी हैं, इन्होंने आपके दुख सुख में आपका साथ दिया है, आगे भी देंगे, ये आपको वोट भी कर देंगे, सपोर्ट भी कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी बचा लीजिए लोगों को, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, अपनी इस ईगो को छोड़ दीजिए, इस ईगो से बाहर निकल आइए। जो जनता सदन में भेजना जानती है, वो जनता सदन से बाहर करना भी जानती है। और मेरा अगला पड़ाव यही होने वाला है, अगले 1 महीने में मैं देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हारे मुद्दे को लेकर। और जिस सांसद से, जिस विधायक से, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग करूंगा, फेसबुक के माध्यम से तुम्हें जानकारी दूंगा। देश के सभी सेलिब्रिटियों से, जितने बड़े बड़े महारथी रहे हैं, महानायक रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, उन सब से भी हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने पेज से जनता से अपील करें, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। अभी हमने सुना बड़े आर्ट डायरेक्टर थे नितिन देसाई साहब, 180 करोड़ रुपए का कर्जा था, बैंक वाले, रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे, सदमा झेल नहीं पाए, आत्महत्या कर ली। सोचिए जब इतना बड़ा आदमी जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी और वो साहूकारों से, वो रिकवरी वालों का झटका झेल नहीं पाया, तो एक आम इंसान, आम व्यापारी, आम नागरिक कैसे झेलेगा जब उसे गाली गलौज की जाती है। अभी पता चला राजस्थान में क्या कहा जा रहा है, अगर आप किश्त नहीं दे सकते, अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो, हम किश्त वसूल कर लेंगे। इतनी नीच हरकतें की जा रही हैं, देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चुप बैठे रहे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, देश लुटे और मैं चुप बैठूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं। और मैंने कहा है, मैं अपनी अंतिम सांस तक अपनी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं अपने भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा, अपने व्यापारियों की लड़ाई लड़ूंगा, एक एक नौकरी करने वाले की लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। और अगर सांसद, विधायक, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बात कहेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा फेसबुक के माध्यम से। 1 महीने का समय दे रहा हूं मैं, आज 8 अगस्त से 8 सितंबर तक सभी पार्टियां 2024 में चुनाव होने वाला तैयारी कर रही हैं। इस मंच से मेरी बात सुन लें, तय कर लें, क्या वो जनता का कर्जा माफ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो जनता का कर्जा माफ नहीं करेंगे, जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी, जनता भी माफ नहीं करेगी। वो सुन ले बात, अब बहुत हो गई वोट की राजनीति। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और वो आएंगे तुम्हारे बीच, वो आएंगे, वो तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, तुम्हारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? हम कर्जे वाले हैं, हमारी एक ही जाति है। कौन सी जाति? कर्जे वाले हैं। और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। आगे की रणनीति बना देता हूं। अगर 2023 8 सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी पार्टियों के जो जो राय देंगे वो जनता के सामने रखी जाएगी। जो पार्टियां इस मुद्दे का समर्थन करेंगी हम उन पार्टियों का साथ देंगे, और जो पार्टियां समर्थन नहीं करेंगी हम उन पार्टियों का साथ नहीं देंगे। हम उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, हम राजनीतिक क्रांति करेंगे, हम जीते ना जीते हम उन्हें हराएंगे। तैयार है? दोनों हाथ उठाकर के पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर बताए, तैयार है राजनीतिक क्रांति के लिए? राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार है? हर उस सांसद विधायक के खिलाफ वोट करा जाएगा जो जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करेगा। और उम्मीदवार कौन होंगे? उम्मीदवार ये नहीं होंगे, उम्मीदवार ये लोग होंगे, जनता में से इस बार उम्मीदवार चुने जाएंगे। तैयार है? 543 सांसद चाहिए, तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करो संसद में जाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। अभी नहीं, 2024 में जनता चुनकर भेज देता हूं। कितने लोग तैयार हैं? जाओ अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करो। मैं तुम्हारे क्षेत्र आ रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। चाय पिला दोगे? बस चाय पिला देना, नहीं खाने की जरूरत नहीं है। भूख हड़ताल पर ही बैठेंगे, वहां भी खाना नहीं खाना, तुम्हारे एरिया में आऊंगा। कल से राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। हाँ, ये नारा गूंजना चाहिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, संसद तक आवाज जाए, हम नहीं जा रहे, आवाज तो चली जाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जनता का कर्जा करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ 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 करना पड़ेगा, पड़ेगा। ये हुक्मरान सुन ले, अब जनता आ रही है, जनता आ रही है सदन में बैठने के लिए। अभी आपके पास 8 महीने का समय है, या तो 8 महीने कर्जा मुक्त कर दीजिए, वरना हम खुद जाकर के अपना कर्जा माफ करवा देंगे। और हर उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे जिसे खुद के ऊपर कर्जा हो, ताकि वो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता हो। ऐसा ही व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा, हमारे उम्मीदवार नहीं, आपके उम्मीदवार। इनमें से भी जिस पर कर्जा होगा उसी को देंगे मौका, ताकि तू जनता का दर्द समझ सके, वहां जाकर के जनता का दुख दर्द दूर कर सके। अब जो लोग कहते हैं राजनीति है, बोल देना हाँ भैया राजनीति है, समस्या राजनीति है, समाधान भी राजनीति से निकलेगा। और जो ये कहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे बैठ बोलो जाके शिकार बन राजनीति का। हम शिकार बनने वाले नहीं हैं, हम राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये बात है, जब मुझसे लोग कहते हैं, मिलते हैं, कहते साहब क्या सर्टिफिकेट से, बता रहा हूं, क्या सर्टिफिकेट से कर्जा माफ हो जाएगा? अगर आपको सर्टिफिकेट मिल भी गया और आप संगठित नहीं हुए तो कर्जा माफ नहीं होगा। ध्यान रखना, संगठित होना पड़ेगा। ये लोग जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इनकी शक्लें पहचान दो, ये लालची लोग हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, सबकी लड़ाई लड़ेंगे, सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। मैं जब कह रहा हूं मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हारा सर्टिफिकेट दूंगा, इससे बड़ा कमिटमेंट चाहिए कोई? मैं तुम्हारे घर आकर के दूंगा यार, मैं तुम्हारे घर आकर के दूंगा। और बताओ, तुम्हारे एरिया में दूंगा आकर के। जब अव्यवस्था कर लेंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं इतने सारे लोग आ जाएंगे। और अभी देखिए बाहर कितने लोग हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, सड़कों पे लोग हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो जनता का खून चूसना बंद कर दें, साहूकारों के अत्याचार से जनता को बचा ले, बैंक के अत्याचार से जनता को बचा ले। जनता परेशान है, जनता की दिक्कतों को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी। मुझे पता है आप सबकी परेशानी, मुझे मेरी परेशानी पता है, मेरी मजबूरी भी समझिए। मैं भी भूखा हूँ सुबह से, मैंने भी पानी नहीं पिया है, एक रुपया किसी से नहीं ले रहा हूँ और किसी से लिया भी नहीं जाएगा। और यदि कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर अगर आपसे पैसा मांगे, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना। वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति नहीं है, किसी को एक रुपया भी नहीं देना है। चार लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस राजनीतिक क्रांति का आगाज होगा, फेसबुक के माध्यम से आगाज किया जाएगा और हम शाम को 4 बजे तक यहाँ बैठे हैं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम देखेंगे, अगर अभी हो पाएगा तो अभी देंगे, वरना आप सबके घर पर सर्टिफिकेट लेकर के आऊंगा। मैं और मेरी टीम पहुंचेगी, आपकी लोकसभा आपके राज्य में पहुंचेगी, आपकी मदद करेगी। 4 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरां क्यों है। और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। 4 बजे तक कार्यक्रम चलना है, मैंने बता दिया। 4 बजे तक हम शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। आप सबके सर्टिफिकेट आपके घर पर पहुंचवा दिए जाएंगे, आपके एरिया में पहुंचवा दिए जाएंगे। सारी जानकारी फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप सबके एड्रेस है मेरे पास, जिन लोगों ने फॉर्म भरे उन सबके एड्रेस है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे वो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। किसी के झांसे में मत आइए कि कोई पैसा देकर के आपको सर्टिफिकेट दिलवा देगा, पैसा देकर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट निःशुल्क मिलेगा। जो हमारा नारा है, नारा लगाएंगे, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।